ओए गाइस यार टाइम आ चुका है, मैं मेरी जायदाद का वारिस आज डिक्लेयर करने वाला हूँ। मैंने मेरे सारे बच्चों और पोतों को यहाँ पे बुलाया सबसे खतरनाक लॉस सेंटोस की सबसे महंगी होटल में। तुम यहाँ पे देख ही सकते हो, यहाँ पे सब जन आ गए हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। इनमें से एक को दूंगा मैं मेरी सारी जायदाद, मेरी सारी पावर और मेरी सारी दौलत शोहरत। मेरे यार बहुत से जान होते हैं पर मुझे तुम में से सिर्फ एक पे नाज है। अरे गाइस क्या लगता है दद्दू हल्को मेरे पे नाज है क्या? मुझे दौलत शोहरत और मिलेगी क्या? ओए ये तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी सी देर में। गाइस यार तुम्हें पता चल गया क्या मैं कौन सा वाला हल्कू? यार देखो तुम्हें लग रहा होगा मैं सबसे बड़ा और स्ट्रॉन्गेस्ट हल्कू, नहीं पर मैं तो सबसे छोटा और क्यूटेस्ट हल्कू। देखो दद्दू हल्का अपने अभी सारे पोतों को देख रहे हैं और मुझे तो लगता है मुझे ही है ना सारी दौलत शोहरत और पैसे मिलेंगे क्योंकि मैं सबसे ज्यादा क्यूट हल्कू। ओए पुत्र क्या बोल रहा है, क्यूट हल्क होने से थोड़ी पैसे मिलते। मैं तो मेरे सबसे बड़े बेटे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हल्क है उसको मेरी सारी जायदाद देता और उसको है ना मेरा सक्सेसर डिक्लेयर करता हूँ। बाकी तुम सारे हल्क तो बहुत ज्यादा कमजोर हो और बेबी हल्क यार तू तो बहुत ही ज्यादा खराब है, तेरी एज भी बहुत कम है। अरे क्या कर हुआ यार ये तो? अरे दद्दू ने हमको चिलेक नहीं किया, हमने तो इतनी मेहनत भी करी थी। अरे किसी दिन तुम मेरे जैसे स्ट्रॉन्ग और हैंडसम हो जाओगे ना तब बात करना। अरे नहीं नहीं दद्दू मेरी बात सुनो यार, ये तुम गलत डिसीजन ले रहे हो, बड़ा वाला हल्क अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा बुरा, ये गंदे गंदे काम करता है। ओए पुत्र जी पर मैं तुमको तो मेरा जायदाद का वारिस नहीं बना सकता ना, तुम तो इतने छोटे हो। अरे दद्दू हल्के यार मुझे एक दिन का टाइम दो प्लीज यार, ऐसा मत करो मैं एक दिन में बड़ा हो क्या जाऊंगा। ओए पुत्र जी एक दिन में अपग्रेड कैसे होगे? अरे पैसा हो तो क्या नहीं यार, मुझे 10 करोड़ रुपए आप दे दो, फिर 10 करोड़ रुपए दोगे मैं 10 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करके खुद को अपग्रेड कर लूंगा। फिर यार है ना तुम सारी अपनी जायदाद का मालिक मुझे बना देना। ओए पुत्र जी अगर मैं ही तुम्हें पैसे दूंगा अपग्रेड होने के तो इसमें मतलब क्या है? तुम खुद जाके मेहनत करो, 2 रुपए की रोटी कमाओ यार, तुम्हें मेहनत की वैल्यू पता चलेगी यार। चलो ठीक है मैं कल तक तुम्हारा वेट करूंगा, अगर कल तक तुम एक खतरनाक हल्क में अपग्रेड होके नहीं आए तो यार फिर मैं तुम्हें जायदाद से निकाल दूंगा। अरे गाइज यार देखो मुझे तो सिर्फ एक दिन का टाइम दिया गया है, मुझे ये वाले हल्क को बीट करना है। पर गाइज ऐसा कैसे होगा यार, मुझे तो कुछ काम वाम करना नहीं आता। चलो यार चलता हूँ गाइज, मुझे पैसे कमाने के कोई ना कोई तो तरीका सोचना पड़ेगा, बिना तरीके तो बात नहीं बनेगी गाइज यार। अब देखो यार मुझे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने, शायद है ना तुम लोग वीडियो को लाइक करोगे तो यार मेरे पास पैसे आ जाएंगे। वीडियो को लाइक कर रहे हो क्या गाइज? लाइक कर रहे हो तो कर दो ना। अब देखो यार लगता है तुम लोग तो लाइक करने में कंजूसी कर रहे हो तो मुझे पैसे नहीं मिल रहे, इसके लिए यार मुझे यहाँ पे आके है ना मेरा काम करना पड़ेगा। अब गाइज कुछ और तो करना नहीं आता, यहाँ पे आके पत्थर वत्थर ही तोड़ लो। हेलो अंकल जी मुझे नौकरी पे रख दो। अरे बेटा तू तो इतना छोटा बच्चा है, तुझे नौकरी पे कैसे रख लू? अरे यार मैं छोटा नॉर्मल बच्चा नहीं हूँ, हल्का बेबी हूँ, मुझे नौकरी पे रख लो, बहुत अच्छा काम करूंगा यार, बहुत मेहनती हूँ मैं। अरे बेबा पर तू है तो एक बच्चा ही ना, मैं तुझे नौकरी पे नहीं रख सकता। अरे रख लो यार मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, देखो यार मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हूँ, आप बोलोगे वो काम कर दूंगा। अरे नहीं बेटा तुझे काम पे नहीं रख सकता। अरे बचाओ बचाओ बचाओ। अरे ये क्या आवाज आ रही है? अरे बचाओ। ये तो मेरी बेटी है, ये ऊपर कैसे पहुंच गई? अरे पापा जी गलती से चढ़ गई ऊपर, बचाओ। ओए मेरी बेटी ऊपर चढ़ गई है, ओए पुलिस को बुलाओ, फायर फाइटर को बुलाओ, सुपर सैयन को बुलाओ, अवेंजर्स को बुलाओ। ओए ये क्या हो रहा है, मेरी बेटी कहाँ ऊपर चली गई? अरे अंकल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गया? ओए आहिस्ता कैसे रहो, मेरी बेटी ऊपर फंस गई है। अरे पर ये ऊपर चढ़ी कैसे, ऊपर चढ़ के आप नीचे ले आओ ना। अरे नहीं 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 कोई ऊपर मत आना, क्रेन हिल रही है, मैं नीचे गिर जाऊंगी। अरे नहीं 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 तू नीचे मत गिरना, उधर ही खड़ी रहे। अरे प्लीज कोई बचा लो, मेरे हाथ कांप रहे, मैं नीचे गिर जाऊंगी। ओए मेरी बेटी गिर गई तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मेरी प्यारी बेटी? अरे अंकल शांत हो जाओ, कोई तो तरीका होगा इसको नीचे सेफली लेकर आने का। ओए तो पुत्र तो उड़ के उसको ऊपर लेकर आ सकता है क्या नीचे? अरे नहीं नहीं मैं उड़ नहीं सकता भाई, आयरन मैन नहीं हूँ मैं, बेबी हल्क हूँ यार, बड़ा हल्क भी नहीं हूँ। पर यार कोई तो अपने तरीका निकालेगा, अंकल रो मत। ओए पुत्र जी यार फायर फाइटर क्यों नहीं आ रहे, अवेंजर्स को बुलाओ। हाँ किसी ने यहाँ पे बिस्तर की डिलीवरी मंगवाई है क्या? यहाँ पे मैंने सुना है नई बिल्डिंग बन रही है, बिस्तर की डिलीवरी लेकर आया हूँ। अरे अंकल नहीं नहीं अभी तो बिल्डिंग का काम चल रहा है, बिस्तर की डिलीवरी का क्या करोगे? अरे पर मेरे को बॉस ने बोला बिस्तर की डिलीवरी ले लो यार, मेरी ट्रक पे लोड करके लेकर आया हूँ, मेरे को लेट हो रहा है। और इधर तो मेरी बच्ची यार इधर फंसी हुई है, तुझे बिस्तर की डिलीवरी की पड़ी है, तेरी ऐसी तैसी यहाँ से दफा हो जा। अरे 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 एक सेकंड अंकल रुको, उसको मारो मत यार, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अरे बच्चा जी क्या आइडिया आया है? अरे गाइस देखो तुम लोग लड़ो मत, देखो यार ये है ना छोटी बच्ची है, यहाँ पे ऊपर फंस चुकी है, अब यार इसको है ना चढ़ के अपने नीचे नहीं बचा सकते यार, क्योंकि है ना क्रेन बहुत ज्यादा हिल रही है, अगर हम लोग ने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी तो नीचे गिर जाएगी। अरे बचाओ बचाओ। तो गाइस देखो मेरे को ऐसा आइडिया आया कि देखो ये जो ट्रक है इसके पीछे एक बहुत गद्देदार बिस्तर लगा रखा है, तो क्यों ना मैं ये ट्रक को सही लोकेशन पे पार कर दूं, और यार वो बेबी है ना इसके ऊपर बिस्तर के ऊपर कूदेगी फिर उसको बिल्कुल भी नहीं लगेगी। अरे नहीं 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 मैं नहीं कूदूंगी। अरे डर मत यार बेबी। गाइस देखो मुझे ट्रक को बढ़िया से ऐसे पार करना पड़ेगा कि ये बेबी के डायरेक्ट नीचे आ जाए। अरे थोड़ा आगे लेकर आओ, बहुत पीछे चले गए। अच्छा अच्छा मतलब तू कूदने के लिए तैयार है ना? अरे हाँ मैं और क्या करूंगी। तो गाइस देखो बस मुझे ट्रक को ऐसे पार करना है कि है ना ये जो है ना बेबी है वो डायरेक्ट से है ना ये बिस्तर पे कूद जाए और इसको कुछ भी ना लगे। देख बेबी आई थिंक सही से मैंने लगा दिया है।
अरे हाँ सही से लगा तो दिया, ठीक है मैं कूद रही हूँ तुम पे भरोसा करके। ओए बेटी कूद मत मत ऐसा कर। अरे अंकल भरोसा रखो मैंने ढंग से पार्किंग लगाई है, कूदो कूदो बेबी। अरे मेरे को तो कुछ भी नहीं लगी, मैं तो बिल्कुल सेफ हूँ, बिस्तर पे गिर गई। अरे हाश गाइस मेरा प्लान काम कर गया, वरना यार ये छोटी सी बच्ची मर जाती, मैं खुद को कभी भी माफ नहीं कर पाता। अरे पापा जी यार मैं तो बच गई। ओए बेटी जी यार कभी भी उसके बाद से ना क्रेन पे मत चढ़ना। अरे हाँ हाँ अपने छोटे बच्चे अपने को इतनी ऊंची हाइट पे नहीं जाना चाहिए, ये तो यार मैं इधर प्रेजेंट था मैंने बचा लिया, वरना तुम्हें कौन बचाता। हीरो थैंक यू फॉर सेविंग मी। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, चलता रहता है। ओए बेटा जी तुम बोले थे तुमको पैसों की जरूरत है। अरे हाँ अंकल यार पैसों की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है, मुझे अपग्रेड होना है। ओए बेटा जी मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। क्या तुम्हारे पास पैसे है, तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? ओए बेटा जी यस यार तुमने मेरी बेटी की जान बचाई, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब देखो यार मैं करोड़पति खानदान से तो हूँ नहीं, मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है, मेरे पास जो थोड़े से पैसे वो मैं तुम्हें निकाल के दे देता हूँ, इनसे अपना काम चला लो। अच्छा अच्छा अंकल जी कोई बात नहीं, जितने भी रुपए उतने रुपए दे दो। अरे गाइस ये देखो अंकल ने तो अपनी सारी जिंदगी जीवन भर की कमाई रख दी। ओए पुत्र जी ज्यादा नहीं है, $10,000 है। अरे कोई बात नहीं यार मैं $10,000 का हल्क तो बन जाऊंगा ये पैसों को लेके। थैंक यू अंकल जी यार आपने इतने भी पैसे दिए। ओए पुत्र जी नहीं यार थैंक यू टू यू, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को बचाया। अच्छा अच्छा गाइस जल्दी से देखो ये पैसे ले लेता हूं। ओए बेटा जी तुम तो तुरंत अपग्रेड हो गए। अरे हाँ गाइस देखो अभी मेरे को $10,000 मिले थे तो मैं $10,000 के हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूँ। पर यार $10,000 का हल्क में कन्वर्ट होना इनफ नहीं यार, जो मेरा बड़ा भाई है वो तो $10,00,000 का हल्क है, मुझे उससे भी ज्यादा पैसे वाला हल्क बनना पड़ेगा, तभी दद्दू हल्क है ना मुझे है ना जायदाद का वारिस डिक्लेयर करेंगे। गाइस ये देखो मेरी नेक्स्ट नौकरी है ना यहाँ पे बैटमैन के घर में लगी है। अरे आई एम बैटमैन, तुम यहाँ पे झाड़ू पोछा करने आए हो ना? अरे हाँ 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 मैं मेरा हाथ साफ करने आया यहाँ पे। अरे क्या बोल रहे हो हाथ साफ करने आया? अरे नहीं नहीं मतलब है ना तुम्हारा हाथ साफ करना है, मतलब सब कुछ साफ कर दूंगा मैं। क्या तुम चोरी करोगे? अरे नहीं नहीं चोरी नहीं करूंगा, साफ सफाई करना है। यार बैटमैन तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों ले रहे हो? अच्छा अच्छा वैसे भी मुझे डर नहीं लगता, आई एम बैटमैन, मैं बहुत ज्यादा डेंजरस हूँ और मेरी यहाँ पे सिक्योरिटी भी है बहुत ज्यादा तगड़ी। अरे हाँ मुझे पता है बैटमैन यार। ठीक है जाओ तुम मेरे घर पे काम करो, मुझे क्राइम से लड़ने जाना है, थोड़े टाइम बाद मैं आता हूँ, घर साफ होना चाहिए एकदम। अरे हाँ हाँ डोंट वरी पूरा घर साफ कर दूंगा। गाइस ये देखो तुम्हें पता ही है मैं बैटमैन के घर में क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे हाथ साफ करने आया हूँ, मतलब यार बैटमैन के सारे पैसे चुरा लूंगा। बैटमैन तुम्हें पता ही है करोड़पति है एकदम। ये देखो घर के अंदर घुसते यार। अरे ये देखो सामने अंकल जी है ना पैसे के साथ नाच रहे। अरे वाह कितने सारे पैसे दिए हैं बैटमैन ने तो मुझे। अरे अंकल जी ये पैसे आपके पास बहुत देर तक रहने नहीं वाले, आप जैसे आगे पीछे हो गए आपके पैसे तो मैं टरका लूंगा। अरे इतने सारे पैसे तो मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखे। अरे मैंने भी नहीं देखे गाइस यार, मुझे $1,00,000 टोटल इकट्ठे करने यहाँ से। अब यार यहाँ पे थोड़े थोड़े पैसे मिलेंगे तो नहीं चलेगा, मुझे बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। अरे जल्दी से जाके केक खा के आ जाता हूँ, बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मेरे पैसे तो यहाँ पे रखे हुए हैं, इनको तो कोई लेके जाएगा नहीं, बैटमैन के घर पे तगड़ी सिक्योरिटी है। अरे गाइस देखो यार ये मोटा केक खाने लग गया, जल्दी से है ना मैं जाता और इसके पैसे टरका लेता हूँ। अब देखो यार ये ज्यादा बड़ी थप्पी तो नहीं लग रही गाइस, $20,000-$30,000 लग रहे, इसको उठा लेता हूँ जल्दी से यहाँ पे। अब ये देखिए उससे पहले फटाफट से रवाना हो जाता हूँ। अरे मैंने केक खा लिया, मजा आ गई, अब मेरी पैसे की गड्डी को देखता हूँ। हैं ये क्या हो गया, मेरे पैसे की गड्डी किधर गई यार, अभी तो इधर ही थी। अरे देखो यार ये मोटे को तो पता भी नहीं चला इसके पैसे मैंने ले लिए, मैं सिक्योरिटी को जाके कंप्लेन करूंगा। अरे हाँ हाँ तू कंप्लेन कर, वो सिक्योरिटी वाले आएंगे उतनी देर में तो मैं पूरा घर साफ कर दूंगा। गाइस ये देखो साफ सफाई के लिए आया था मैं, साफ सफाई करके ही जाऊंगा। अभी और पैसे देखते यार किधर है, इधर तो कहीं पे पैसे रखे भी नहीं। काम करता हूँ बाहर जाके देखता हूँ, शायद बाहर थोड़े से पैसे पड़े होंगे। अरे ब्लैक पैंथर यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे हेलो जी हेलो, मैं तो मेरे सर पे से उठ के इसको लेकर जा रहा हूँ पैसे से भरे, ब्रूस वेन ने मुझे पैसा दिया है, इसकी तो मैं जाके चॉकलेट खाऊंगा। हेलो जी हेलो। अरे कहाँ जा रहा है बुद्धू आदमी यार, तेरे को पैसे की जरूरत थोड़ी यार, तू तो वकांडा का किंग है, वहाँ पे वकांडा वालों के पास तो कितने पैसे हुआ करते थे। गाइस ये देखो ब्लैक पैंथर को है ना बैटमैन ने थोड़े से रुपए दिए, मैं तो सोच रहा हूँ इनको मैं चुरा लूं। ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ। हेलो जी हेलो, आरा कौन गोली मार रहा है तेरे यहाँ से, तैसे बेचारे गरीब को मार दिया। अरे गरीब कहाँ से गाइस, ये ब्लैक पैंथर यार, जल्दी से काम करता हूँ ये सूटकेस के भी सारे पैसे टरका लेता हूँ। ये देखो गाइस और मेरे को $20,000 मिल गए, पर गाइस इसे छोटे छोटे हाथ मार के काम नहीं चलेगा यार, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए मुझे। अरे और कौन सा सुपर हीरो है यहाँ पे जिसके पास पैसे होंगे? रुक जाओ यार यहाँ पे से मुझे आवाज आ रही है। अरे ये फ्लैश यहाँ पे क्या कर रहा है? यो 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 ब्रो हाउ आर यू? अरे आराम से बोल फ्लैश, मुझे पता है तू वर्ल्ड फास्टेस्ट मैन है, पर ऐसे जोर जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। यो 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 ब्रो लुक एट मी, मुझे ब्रूस ने अपने पैसे बचाने के लिए दिया है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इतनी बड़ी है ना सेफ बना दिया, मैं इसको वेल्डिंग करके लॉक कर दूंगा, कोई भी हल्का के इसको कभी भी नहीं ना चोरी कर पाएगा। अरे हल्क आगे क्यों चोरी करेंगे, दूसरे लोग भी तो चोरी कर सकते हैं। अरे हाँ 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 कोई भी चोरी कर सकता है, पर हल्क तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा बिल्कुल सही यार, तुमने बहुत बढ़िया वेल्डिंग कर दी। देखो यार तुम जाके सुसु करके आ जाओ, मुझे बता तुम्हें सुसु करनी है, मैं इसकी रखवाली कर रहा हूँ। यो 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 ब्रो तुम्हें कैसे पता चला मुझे सुसु आ रही है?
अरे आप इतना जोर जोर से बोल रहे थे, मुझे पता चल ही गया था। गाइस देखो, ये फ्लैश को तो मैंने बुद्धू बना दिया, अब बस मुझे ये सेफ को ड्रिलिंग करके तोड़ना है। गाइस ये देखो, मैंने मेरी ड्रिल चलानी चालू कर दिया, दो ताले तो ऑलमोस्ट तोड़ दिए पर मेरी ड्रिल ओवरहीट हो रही है। पर देखो मैंने दो ताले तोड़ दिए, अभी तीसरा ताला तोड़ना है जल्दी जल्दी से। यार तुम लोग भी वीडियो को लाइक कर दो जिससे है ना ताले जल्दी जल्दी से टूट जाए। देखो यार चौथा ताला तोड़ना है, बस ये चार ताले तोड़ दिए ना फिर है ना सारा सेफ टूट जाएगा और सारे पैसे बाहर आ जाएंगे। गाइस बल्ले बल्ले हो जाएगी। ये देखो यार ताले टूट गए यार, सारे सेफ टूट गए, कितने सारे पैसे निकले और इसके अंदर से। गाइस यार मेरे को तो लगता है इसके अंदर कम से कम नहीं तो कम से कम 50-60 हजार डॉलर होंगे। ये देखो इसको भी साफ कर दिया, ये फ्लैश है उससे पहले भग जाता हूँ यहाँ से। यो 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 यो, बहुत तेज सुसु करके आया हूँ। यो हल्क हाउ आर यू ब्रदर? अरे ये हल्क कहाँ गया? वेर इज हल्क एंड वेर इज माई मनी सेफ? ओए दिस इज वेरी बैड, बैटमैन विल किल मी, आई नीड टू गो फाइंड माई सिक्योरिटी। यो 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 यो, किसी ने चोरी कर ली है बहुत ज्यादा बड़ी, आई नीड टू रिपोर्ट इट टू सिक्योरिटी। गाइस ये देखो फ्लैश तो पैनिक कर रहा है, अरे यार ये तो सिक्योरिटी वाले के पास जा रहा है। यो 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 ब्रदर, माय मनी वाज स्टोलन। अरे मुझे पता है बहुत सारे जनों के पैसे चोरी हो रहा है, रुक जाओ मैं चोर को ढूंढ के लाऊंगा। बैटमैन के घर पे चोरी करने की किसकी हिम्मत हुई है? मुझे तो लगता है ये जो सामने हल्क खड़ा है, नया एम्प्लॉय आया है, उसने ही चोरी करी है सारी। ओए हल्क के बच्चे तू बता इधर क्या काम कर रहा है वरना गोली मार दूंगा। अरे 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 रुक जाओ कोलोसस भैया, यार तुम सिक्योरिटी वाले भैया हो मान तो बंदूक नीचे करो, मैं तो अभी किचन में काम कर रहा था। अच्छा तो किचन में काम कर रहा था तो जा मेरे लिए ठंडा पानी लेकर आ। हाँ ठंडा पानी लेकर आ रहा हूँ, आप उधर जाके मस्त आराम से एसी के सामने बैठो। अच्छा ठीक है जाता हूँ। गाइस ये देखो कोलोसल तो एसी के सामने बैठने चला गया, पर यहाँ पे ठंडा पानी कहाँ पे यार, मुझे तो फ्रिज ही नहीं दिख रहा। गाइस तुम्हें फ्रिज दिख रहा है क्या? ये क्या है भाई, फ्रिज नहीं है तो अलमारी जैसी कुछ है। यहाँ पे यार नॉर्मल पानी पिला दूंगा, ऐसी तैसी कर देगा। एक सेकंड शायद यही तो फ्रिज है। हाँ हाँ यही फ्रिज है, फ्रिज खोलता हूँ। एक सेकंड ये क्या है भाई, फ्रिज खोल रहा था मैं तो फ्रिज के अंदर इतनी सारी जगह है। भाई बैटमैन तो कितना ज्यादा अमीर है, रुक जाओ यार मेरे को तो लगता है ये पूरा फ्रिज वाला एरिया है। नीचे वाले एरिया में पानी की बोतलें रखी होगी। एक सेकंड ये तो पानी की बोतलें तो नहीं है गाइस यहाँ पे। ओ माय गॉड गाइस ये देखो कितने सारे रुपए। गाइस इतने सारे रुपए को मैं खा गया तो फटाफट से अपग्रेड हो जाऊंगा, जल्दी जल्दी से सब पैसों को खा जाता। नम 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 नम, अरे पेट ही भर गया। आह डकार भी मार दी गाइस। अभी तो यार वो कोलोसल मुझे देख के उससे पहले जल्दी जल्दी से घर के बाहर फंक जाता हूँ। गाइस ये देखो मैं तो है ना $1,00,000 का रैग्नारोक हल्क बन चुका हूँ। अब गाइस मैं चाहूँ तो मेरे घर वापस जा सकता हूँ, वहाँ पे से है ना मुझे है ना मैं मेरे बड़े भाई हल्क को तो हरा ही दूंगा। पर गाइस मेरी इच्छा है कि मैं और भी ज्यादा पैसे वाला हल्क बन के जाऊँ जिससे दद्दू हल्क को मेरे पे प्राउड हो और यार मुझे फिर उनके पैसों की जरूरत ही ना पड़े, मैं एकदम इंडिपेंडेंट बन जाऊं। और यार मुझे जस्ट पता है कि ये चीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे देखो यार योडा हल्क जो सबसे बुड्ढे हल्क है वो अपनी जायदाद का नेक्स्ट वारिस ढूंढ रहे, पर यार वो ढूंढ रहे कॉम्पिटिशन के थ्रू, मेरे दद्दू हल्क की तरह नहीं अपनी मर्जी से कर रहे। जो भी कॉम्पिटिशन जीतेगा उसे अपनी योडा हल्क अपने सारे पैसे दे देंगे। अरे बेटा बिल्कुल सही बोला है, मैं बहुत बुड्ढा हो गया हूँ, मेरा जाने का टाइम आ चुका है। तुम तीनों में से जो भी यार ये कॉम्पिटिशन जीता उसे मैं बहुत सारे पैसे दे दूंगा। तुम्हें देखो यार सिंपल सा कॉम्पिटिशन करना है, पर ये कॉम्पिटिशन बिल्कुल सिंपल नहीं है, बहुत ही ज्यादा टफ है, तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। पर यार ध्यान देके कंप्लीट कर दिया तो लास्ट में बहुत पैसे मिलेंगे। ये देखो यार यहाँ पे सोना ही सोना है और मेरी पूरी जायदाद भी है। तो चलो बेटा कॉम्पिटिशन शुरू करो, तुम्हारे बूढ़े दद्दू के पास टाइम नहीं है। यो फर्स्ट जाएगा फ्रैंकलिन, फ्रैंकलिन तो रेस को जीत के ही रहेगा। गाइस ये देखो मस्कुलर फ्रैंकलिन जा रहा है, भाई फ्रैंकलिन तो कितना ज्यादा खतरनाक है, देखते ये क्या कर पाता है। ये देखो इसने अपनी स्पीड को यहाँ पे कम कर दिया। यो मैं तो ड्रॉप करूंगा, मैं तो सारे रैंप चैलेंज अपने टाइम में जीतता ही हूँ, बहुत मजा आएगा मुझे तो। अरे हाँ हाँ गाइस सही बोला, फ्रैंकलिन तो एकदम ओपी यूट्यूबर है यार। अगर तुम्हें गाइस लगता है फ्रैंकलिन जीतेगा तो कमेंट सेक्शन में यस लिखो, और अगर तुम्हें लगता है फ्रैंकलिन नहीं जीतेगा तो कमेंट सेक्शन में नो लिखो। अरे एवरीबॉडी विल टाइप यस ओनली डा। अरे हाँ हाँ फ्रैंकलिन मुझे पता है, पर तुझे थोड़ा सा धीमे जाना चाहिए, तू बाहर गिर जाएगा रिंग से। अरे तुझे बोला ही था धीमे जा यार, फ्रैंक क्या कर दिया, जिन लोगों ने भी यस लिखा था उनकी उस पे पानी पिला दिया। ये तो मैं अब जीत जाऊंगा कॉम्पिटिशन। अरे गाइस ये गंदा वाला वेयरवुल्फ हल्क कैसे आ गया, देखो शरीर के हाथ कितने गंदे। बहुत मजा आएगा, सबको मार दूंगा, सबको काट दूंगा। चलो जल्दी से जाता हूँ, मेरे इतने बड़े बड़े हाथ, इतने बड़े बड़े पैर है, इतना बड़ा मुंह है, ये देखो मैं तो स्टाइल भी मार रहा हूँ। अरे स्टाइल मत मार, स्टाइल मारने से ना फेल हो जाते। अरे नहीं नहीं मैं तो स्टाइल मारने से पास होता हूँ, मुझे तो स्टाइल मारने में बहुत मजा आती है। अरे नहीं नहीं, नहीं स्टाइल मत मार यार, गलत बात होती है। अरे ये फ्रैंकलिन तो बाजू में गया था, मैं यहाँ पे जाऊंगा सारे ऑब्स्टिकल से बच जाऊंगा, मैं तो ज्यादा स्पीड में भी नहीं जाऊंगा, सिर्फ स्टाइल मारूंगा। अरे गाइस ये देखो वेयरवुल्फ हल्क है तो ये तो बहुत आराम आराम से जा रहा है यार, देखो क्या लगता है ये कर पाएगा क्या क्रॉस। अरे
देखो इसने सारा धुआं हुआ सब क्रॉस कर दिया, अभी देखते बर्गरों के ऊपर से जा पाता है क्या। अरे बिल्कुल जा पाऊंगा, क्यों नहीं जा पाऊंगा, मुझे तो बर्गर खाने बहुत अच्छे लगते हैं, नम 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 नम, टेस्टी टेस्टी खाना। अरे इसकी ऐसी तैसी, कहां मुझे हवा में उड़ा दिया। नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं उड़ा, अरे नहीं नहीं लैंड ही नहीं मिला मुझे तो। ओ गाइस यार चलो यार, ये दोनों तो पानी में गिर गए। बेटा जी तुम्हें ये रैंप चैलेंज कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वरना मैं मेरी सारी जायदाद दूंगा किसको। अरे डोंट वरी दद्दू हल्कर, मैं हूं ना, ये रैंप चैलेंज को एकदम आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट कर दूंगा। गाइस यार देखो यार, ये वाला रैंप चैलेंज तो मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे पैसों की भी जरूरत है और ये दद्दू हल्क वरना फिर अपने पैसे देंगे किसके। और फिर तुम आवाज से सुन सकते हो कितने ज्यादा बुढ़े हो गए वो। अरे हाँ बेटा सही बोला, बहुत बुढ़ा हो गया, तुम्हारा आराम से रैंप चैलेंज को कंप्लीट करो। हाँ हाँ गाइस देखो एकदम आहिस्ता आहिस्ता जाऊंगा। ये देखो यार जंप भी बहुत ज्यादा बड़े बड़े नहीं ले रहा। अब गाइस देखो राइट में फ्रैंकलिन गया था, लेफ्ट में वेयरवुल्फ हल्क गया था, पर लेफ्ट में जाने के बाद वेयरवुल्फ हल्क ज्यादा आगे तक गया था। अरे बेटा ऊपर जाओगे तो नीचे गिर जाओगे। अरे हाँ हाँ दद्दू हल्क यार, देखो दद्दू ने मुझे पहले टाइम से बता दिया तो मैं बच गया। अरे यहाँ पे बचना, ये सारी माइंस बहुत खतरनाक है। अरे बेटा तुम तो खतरों के खिलाड़ी निकले। अरे हाँ दद्दू हल्क यार क्या करूं, मेरी तो पर्सनैलिटी ऐसी जबरदस्त है कि सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं। तो गाइस ये देखो यार ये घूमते हुए चिप्स के पैकेट में मैं चला गया हूं, और जल्दी जल्दी से आगे जा रहा हूं। दद्दू हल्क एक बात तो बता, तुमने इतने बड़े बड़े बर्गर बनवाए कैसे। अरे बेटा जी मेरा जलवा है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, तुमने तो यार ये रैंप चैलेंज को कम्प्लीट कर ही लिया है। जाओ और अपनी ट्रॉफी ले लो, अपने सारे पैसे ले लो, मेरी जायदाद के वारिस अब तुम बन चुके हो। अरे अरे थैंक यू यार योडा हल्क। गाइस देखो यार मजा आ गया यार, ये योडा हल्क ने तो मुझे डिक्लेयर कर दिया अपनी जायदाद का वारिस। अरे ये क्या हो गया। अरे गाइस मुझे तो लगता है ये योडा हल्क के पास थोड़े ज्यादा ही पैसे थे। जैसे ही मैंने उनके सारे पैसों को टच किया, मैं तो देखो यार एकदम ग्रीन और ब्लू हल्क में कन्वर्ट हो चुका हूं, वो भी इतने खतरनाक वाले। जल्दी से यार मेरी फैमिली से मिलने जाता हूं, वो लोग तो यार एकदम मदहोश हो जाएंगे। भाई मेरी फैमिली में आज तक कोई भी इतना अमीर नहीं हुआ कि जायंट हल्क में कन्वर्ट हो सके। ये देखो यार दद्दू कहां है, मेरे सारे भाई कहां है, ये देखो। ओए पुत्र जी जायंट हल्क कहां से आ गया। अरे दद्दू हल्क मैं हूं यार बेबी हल्क। ओए पुत्र जी तुम इतने अपग्रेड कैसे हो गए। अरे यार देखो यार मैंने मेहनत करनी एक बार चालू करी तो यार पता नहीं कटोरी में कटोरा गिरता गया, और देखो मैं कितना ज्यादा अमीर हो गया। ओए पुत्र जी यार सच्ची में कटोरी में कटोरा गिर गया यार, तुम तो कितने ज्यादा अमीर हो गए हो। अरे हाँ हाँ देखो। ओए पुत्र जी मैं तो अब तुम्हें मेरी जायदाद का वारिस डिक्लेयर करना चाहता हूँ। अरे पर मुझे तुम्हारी जायदाद नहीं चाहिए यार, मैं ऑलरेडी अब इतना अमीर हो गया, मैं तो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन चुका हूँ। ओए पुत्र जी नहीं यार, तुम मेरे फेवरेट पुत्र जी हो, प्लीज मेरे पैसे ले लो। अरे नहीं 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 मुझे नहीं चाहिए। ओए पुत्र जी रुको मैं इसको भी मार देता हूँ, ये लो मार दिया। अरे दद्दू मेलका की मार लो, मैंने क्या किया। अरे हाँ हाँ दद्दू उनको मत मारो, उनने कुछ नहीं किया, मैं पैसे नहीं लूंगा यार आपके। ओए सज्जन कमेंट सेक्शन में ना प्लीज लिखो PLEASE प्लीज लिख दो यार, जिससे यार ये पुत्र जी मेरे पैसे ले ले। अरे नहीं दद्दू हल्क मैं नहीं ले सकता, आप समझो यार मेरी मजबूरी है, मैं इतना ज्यादा अमीर हो गया कि मेरे पास खर्चने के पैसे नहीं बचे यार, मतलब खर्च इतने ज्यादा पैसे हो गए कि मेरे को समझ नहीं आता कहां खर्चू। चलो यार अब मैं तो जा रहा हूं। ओए पुत्र जी मैं तो तुम्हारा बिग फैन बन गया। अच्छा गाइस देखो अगर तुम भी हल्क के बिग फैन बन गए हो तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बिग फैन लिख दो। तो यार देखो आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करना, और कमेंट सेक्शन में यार अपना नाम जरूर से लिखना जिससे मुझे पता चले वीडियो देख कौन रहा है। और जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहा है ये भी देखो, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं और हल्क मिलेंगे तुम्हें GTA 5 के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।